Good morning, students. Let us continue with our another topic for class plus one, microeconomics. That is, what has led to the emergence of economics? Why we are studying it? Why economics is compulsory to be studied as a subject matter? Yeah, what is the reason behind the subject matter of economics? So, its answer is very simple. Hai. The problem of scarcity of resources. This scarcity of resources, jo hai, ye humne definition ke andar cover kiya tha. We aim at fuller utilization of these scarce resources. अब ये जो scarcity of resources है, ये हमारी एक fundamental problem है. क्या है? Fundamental problem. तो इसको हम बोलते हैं problem of choice. क्या बोलते हैं? Problem of choice, जो कि economic problem है, किसी भी country की, किसी भी individual की, किसी भी entity की, किसी भी institution की, हर किसी की है ये एक economic प्रॉब्लम. तो होता क्या है कि जब हमारे रिसोर्सेज जो स्कार्स हैं इन रिलेशन टू आवर वांट्स, इसका मतलब हमारी नीड्स जो हैं वो ज्यादा हैं लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम है. बिकॉज इट इज वेल सेड व्हाट के इस दुनिया में जो रिचेस्ट पर्सन है उसकी भी सारी नीड्स, वांट्स और डिजायर्स फुलफिल नहीं हो सकती. बिकॉज वी आर लोभी. वो हम क्या चाहते हैं? हम ग्रीडी हैं. वी वॉन्ट मोर मोर एंड मोर एवरी टाइम, राइट. अब हम क्या बात करेंगे? तो जब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है इन रिलेशन टू आवर वांट्स, तो होता है डिसीजन मेकिंग. क्या होता है? डिसीजन मेकिंग. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट टफ फॉर द स्टूडेंट्स. व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग बेसिकली रेफर्स टू चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स. आपको दो या चार या पांच ऑप्शंस हैं, उनमें से किसको चूज करना है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. तो हम देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो क्या है? वो है हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट. तो अब हम बात करेंगे कि इसके रीजंस क्या है. इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बेसिकली तीन रीजंस हैं. वो रीजंस क्या है, देखिए. द वेरी फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट. सेकेंड इज द रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज. एक जमीन को आप घर बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, सिनेमा हॉल के लिए, मैरिज पैलेस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल बनाने के लिए, फैक्ट्री खड़ी करने के लिए, रिटेल शोरूम के लिए, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. आपके पास जो पैसा है आप इनमें से किसी भी चीज पे पैसा लगा सकते हैं. सो योर रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट. एंड अब वो क्यों है? क्योंकि हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है. So we need to decide कि हम अपने resources को किस alternate पे लगाएं. बड़ा simple सा देखिए करते हैं. आपके पास मान लीजिए एक piece of land है और आपके पास 1 crore rupees है. आपका graduation, post graduation पूरा हो गया and now you're thinking of doing business, right? तो मम्मा कह रही है जो existing business है उसपे काम चलाओ, मुझे तो नया घर बना के दो. And father says ओ घर बन जाएंगे, कोई गल नहीं है, जो काम दिया चलेगा ते काम भी और घर भी वधिया बन गया, राइट. तो क्या होगा? तो फादर कह रहे हैं कि हम इस पे फैक्ट्री लगाएं, कि हमारे पास एक फैक्ट्री है, अब हम दो फैक्ट्रीज कर लेंगे. और मम्मा कह रही है कि यहां पे होम बनाएं, हम नया हाउस सेटअप करें, राइट. तो अब डिसीजन क्या होगा? हो सकता है हम 50-50 डिसाइड कर लें कि 50% लैंड पे हम घर बनाए, 50% पे फैक्ट्री लगाए और पैसा भी हम 50-50% के अराउंड बांट लेंगे कि 50% पैसा घर बनाने में और 50% फैक्ट्री लगाने में. या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम 60-40 रेशियो चूज कर सकते हैं, 40-60 कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं. आज आप साइकिल चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फिर आप कहेंगे कार, फिर बड़ी कार, महंगी कार, 7-सीटर कार, हाई मॉडल, टॉप मॉडल, ऑडी, BMW, फिर हम और अमीर हुए तो मल्टीपल कार्स, फिर हम कहेंगे हम जेट प्लेन लेंगे. तो हमारे वांट्स क्या हैं? हमारे वांट्स हैं अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं? स्कार्स हैं. सो वी नीड टू डिसाइड कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे सही तरीके से पुट करें, समझ रहे हैं? दिस इज आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इसी का सॉल्यूशन देती है हमें इकोनॉमिक्स, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे वो होल ऑफ इकोनॉमी में है, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म है, चाहे इंडिविजुअल इंडस्ट्री है या कोई भी एंटिटी है. आई होप यू क्लियर विद द टॉपिक. थैंक यू.